हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मुंह में होने वाले छाले यानी कि माउथ अल्सर के बारे में। माउथ अल्सर मुंह में होने वाली एक पेनफुल कंडीशन है जिसमें राउंड या तो ओवल शेप के सोर्स बन जाते हैं जो कभी व्हाइट या तो येलो, ग्रेइश या रेडिश इन्फ्लेम्ड पैचेस बन जाते हैं जो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। आपने, मैंने और हम सब ने कभी ना कभी माउथ अल्सर को फील किया होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यहाँ पे माउथ अल्सर यानी कि मुंह में होने वाले छालों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आयुर्वेद में उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ जरूर से जुड़े रहिए। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, माउथ अल्सर अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुंह में होने वाले माउथ अल्सर जो है वो कुछ अल्सर्स को माइनर अल्सर कहा जाता है। माइनर अल्सर जो होते हैं वो 2 से 8 मिलीमीटर की साइज के होते हैं और वो 8-10 दिन में ठीक हो जाते हैं। जो मेजर अल्सर होते हैं वो बिग होते हैं, बड़े होते हैं और ज्यादा डीप होते हैं, इररेगुलर शेप्स के होते हैं, उनको ठीक होने में 8-10 हफ्तों का टाइम लगता है। और कुछ हर्पिस के अल्सर्स भी होते हैं जिसमें हमारे मुंह में पिन पॉइंट जैसे क्लस्टर्स बन जाते हैं जो डजन्स की क्वांटिटी में होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के माउथ अल्सर हमें होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि माउथ अल्सर जो है यानी मुंह में होने वाले छाले होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या ऐसे कॉजेस हैं कि जिसकी वजह से हमें मुंह में छाले होते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, ज्यादा तीखा खाना खाने से, स्पाइसी फूड का ज्यादा इंटेक करने की वजह से, जैसे कि ब्लैक पेपर है काली मिर्च, जिंजर, गार्लिक, चिल्ली, उसका ज्यादा सेवन करने से, मानसिक तनाव, जो लोग ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, डेंटल ब्रेसिस, आजकल जो दांतों को सीधा करने के लिए दांतों में जो ब्रेसिस लगाए जाते हैं वो डेंटल ब्रेसिस की वजह से, उसके बाद ज्यादा साइट्रस यानी कि एसिडिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का सेवन करना, लेमन, पाइनएप्पल, फिग्स यानी कि अंजीर है, टमाटर है, उसका ज्यादा सेवन करना, इम्यून सिस्टम का वीक होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है माउथ अल्सर का। वायरल या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे मुंह में हो जाना, कुछ विटामिन, सर्टन विटामिन यानी कि जैसे कि विटामिन B12, जिंक, फॉलिक एसिड, आयरन, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जिन लोगों को क्रोन्स डिसीज होता है वैसे लोगों को भी माउथ अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस यानी कि हाइपर एसिडिटी होती है वैसे लोगों को माउथ अल्सर होने के चांस बढ़ जाते हैं। और जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि कोलाइटिस होना, पेट में छाले होना, आंतड़ों में छाले होते हैं जिन लोगों को, वैसे लोगों को भी माउथ अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखने जाए तो आयुर्वेद में माउथ अल्सर को मुख पाक नाम के रोग से जाना जाता है। मुख पाक यानी कि मुंह में छाले होना माउथ अल्सर। आयुर्वेद में स्पेशली ऐसा बताया गया है कि जो लोग ज्यादा सूखा खाना, ड्राई खाना, ज्यादा हल्का खाना, ज्यादा रफ यानी कि मुंह में रफ फील हो वैसा खाना, उसके अलावा जैसे कि मुरमुरा है, ऐसी चीजें जो ड्राई होती हैं, रफ होती हैं, ज्यादा स्पाइसी, ओवर स्पाइसी खाना खाना, पित्त को बढ़ाने वाला खाना खाने से शरीर में पित्त की वृद्धि होती है और वो जो बढ़ा हुआ पित्त है वो पेट में एसिड पैदा करता है और उसके बाद वो मुंह में भी एसिडिक एटमोस्फियर पैदा करने की वजह से मुंह में छाले होते हैं। उसके बाद दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से देखने जाए तो इम्प्रॉपर डिस्टर्ब्ड स्लीप, अगर जो लोग प्रॉपर स्लीप नहीं करते हैं उन लोगों को माउथ अल्सर होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, जो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, वैसे लोगों को माउथ अल्सर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ फूड एंड बेवरेजेस ऐसे हम लेते हैं जो वायु और पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, उनसे माउथ अल्सर होते हैं। फ्राई फूड यानी कि तली भुनी चीजों का ज्यादा मात्रा में सेवन करना, लिक्विड का इनसफिशियंट इंटेक करना, कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जो लोग लिक्विड का कम इंटेक करते हैं वैसे लोगों को भी माउथ अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा फास्टिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा उपवास रखते हैं वैसे लोगों को भी माउथ अल्सर होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो लोग अपने दांतों को अच्छे से ब्रश नहीं करते, अच्छे से क्लीन नहीं करते, उन लोगों को भी फंगल या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मुंह में लगने की वजह से माउथ अल्सर हो सकते हैं। जिनका ओरल हाइजीन ठीक नहीं है, और आयुर्वेद में आखिरी कारण बताया गया है चिंता यानी कि ओवर स्ट्रेस, ये सारे कारण बताए गए हैं दोस्तों कि जिसकी वजह से हमें माउथ अल्सर हो सकते हैं। माउथ अल्सर के जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें फीवर आना, स्वेलिंग, लिम्फ नोड्स डेवलप हो जाना और कमजोरी आना, ऐसे लक्षण भी देखे जाते हैं फ्रेंड्स।
और कुछ लोगों को कैंडिडा नाम की फंगस की वजह से भी मुंह में अल्सर हो जाते हैं। कुछ लोगों को लो इम्यूनिटी, डायबिटिक मलाइटस या तो HIV जैसे रोग या तो बहुत ज्यादा प्रमाण में एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इंटेक करना, स्टीरोइड्स का ज्यादा सेवन करना, ऐसी सब दवाइयों का ज्यादा सेवन करना या तो इन डिसीज कंडीशंस की वजह से भी मुंह में छाले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मुंह में जो हमें छाले पड़ते हैं उनका फीचर्स यानी कि उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जिन लोगों को माउथ अल्सर्स होते हैं वैसे लोगों को मुंह में पेन होता है, मतलब जहां पे अल्सर्स हुए वहां पे पेन होना, जलन होना, टिंगलिंग सेंसेशंस होता है और काफी हद तक जलन का एहसास हमारी जीभ पे या तो जहां पे अल्सर हुआ है वहां पे होता है। कुछ लोगों को यहाँ पे जो दोनों दो माउथ के जो दोनों साइड्स हैं, दोनों जो एंगल्स हैं वहां पे क्रैक हो जाते हैं और क्रैकिंग हो जाता है। टेस्टलेसनेस हो जाना, मतलब कोई भी चीज का अच्छे से स्वाद नहीं आना और कुछ भी खाओ आप तो मुंह में अजीब सी जलन का एहसास होता है चबाते वक्त, और मुंह में लार यानी कि पानी का स्त्राव ज्यादा होने लगता है क्योंकि मुंह में छाले हुए हैं। कॉन्स्टिपेशन रहता है, हेडेक हो सकता है और खाना निगलने में हमें डिफिकल्टी हो सकती है। ये सारे लक्षण अगर माउथ अल्सर है तो हम फेस करते हैं। अब दोस्तों आयुर्वेद में इसकी क्या क्या चिकित्सा बताई गई है और क्या क्या होम रेमेडीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो अब देखते हैं। आयुर्वेद में स्पेशली कहा गया है कि लंबे समय तक यानी कि काफी ज्यादा समय से जिन लोगों को माउथ अल्सर यानी कि मुख पाक की तकलीफ है उन लोगों को शोधन चिकित्सा करवानी चाहिए। शोधन चिकित्सा यानी कि पंचकर्म के अंतर्गत बताई गई विरेचन चिकित्सा का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। जिन लोगों को भी क्रॉनिक यानी कि लॉन्ग टाइम से माउथ अल्सर है उन लोगों को विरेचन नाम की चिकित्सा करवाने के बाद, शोधन करवाने के बाद, उसके बाद मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन करने से जल्द राहत मिलती है। और लोकली गंडूष या तो कवल धारण करने का बताया गया है। गंडूष यानी कि कोई भी औषधि का जो पानी है उसको मुंह में भर के रखना, उसे गंडूष कहा जाता है। और कवल यानी कि उसके गार्गल करके उसको निकाल देना, गंडूष में पूरा मुंह ऐसे करके उसमें औषधि वाला पानी भर के रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, और कवल में उसको पानी को मुंह में घुमा के फेंक दिया जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी औषधियां हैं कि जिसका हम गंडूष या तो कवल के स्वरूप में हम सेवन कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पटोलादि कषायम, पटोल यानी कि परवल बोलते हैं जिसको, उसका आप उसकी मेडिसिन तैयार आती है पटोलादि कषायम, उसको आप पानी में मिक्स करके उसका गंडूष कर सकते हैं या तो उसका कवल भी कर सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। उसके अलावा आपने अमलतास का नाम सुना होगा, अमलतास नाम का जो पेड़ होता है उसमें जो शिंग लटकती है अमलतास की, जिसे गुजराती में गरमाड़ो कहा जाता है, गरमाड़ो, और हिंदी में उसे अमलतास कहा जाता है और लैटिन भाषा में उसे कैसिया फिस्टुला कहा जाता है। तो दोस्तों अमलतास जो है उसकी जो सिंग है उसको जब तोड़ा जाता है उसके अंदर में उसका जो गर निकलता है, उसका जो मावा अंदर से निकलता है, उसको आप पानी में मिक्स करके उसको अच्छे से रगड़ के उसका जो अर्क निकलता है उसको छान के उसका जो अर्क निकलेगा वो पानी को आप अच्छे से मुंह में गंडूस करिए या तो उसका कवल धारण करिए, उससे आपको मुंह में होने वाले छाले में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके अलावा रात को सोते वक्त जिन लोगों को मुंह में छालों की तकलीफ है वो कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल या तो गाय का घी मुंह में अप्लाई कर सकते हैं। जो जमरूक होते हैं उसके पत्तों का सेवन करने से यानी कि जमरूक के जो पत्ते हैं उसको चबा के खाने से मुख पाक जल्द से जल्द ठीक होते हैं। जमरूक यानी गुआवा, गुआवा के जो पत्ते होते हैं उसको चबा के खाने से मुख पाक यानी कि माउथ अल्सर जल्दी ठीक होता है। उसके बाद दोस्तों जिन लोगों को माउथ अल्सर की तकलीफ है वो सुबह शाम खाने से थोड़ी देर पहले एक एक चम्मच गुलकंद का सेवन जरूर करें और कोरिएंडर सीड्स को, एक चम्मच कोरिएंडर सीड्स को यानी कि धनिया जो होता है उसको, उसके जो बीज होते हैं कोरिएंडर सीड्स, उसको एक चम्मच को रात को एक ग्लास पानी में भिगो के रखना है और सुबह छान के उसका पानी जो है वो खाली पेट पीना है, उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको ये भी कर सकते हैं कि 5 मुनक्का और 5 बादाम को रात को आप भिगो के सुबह उसका पानी निकाल के उसको खाली पेट आप खाएं, ये भी बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। उसके अलावा मैं आपको 2 आयुर्वेदिक औषधियों का नाम बताने वाला हूं कि जिसका सेवन करने से भी माउथ अल्सर में काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। पहली औषधि का नाम है खदीरादि वटी और दूसरी औषधि का नाम है एलादि वटी। ये दोनों वटी के फॉर्म में यानी कि गोली के फॉर्म में होती है। ये सुबह शाम 2-2 गोली का 15 से 20 दिन या 1 महीने तक रेगुलर सेवन करने से माउथ अल्सर में आपको फायदा दिखेगा। दोस्तों
आप माउथ अल्सर के लिए आपके नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक को भी संपर्क कर सकते हैं और आप ये रोग के लिए हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके हमारे पास से भी मेडिसिन ऑर्डर करवा के मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने यहाँ पे आपको मुंह में होने वाले छाले के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप कोई ऐसे वीडियो पे, कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।